बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 8 है, शेफर्ड करेक्शन फॉर ग्रुपिंग डेटा। अब शेफर्ड करेक्शन फॉर ग्रुपिंग डेटा एरर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, ग्रुपिंग एरर का वर्ड यूज़ हुआ है। आपको जहाँ भी वैल्यूज ज़्यादा गिवन होती हैं, यू आर मेकिंग द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुपिंग में आप उसको डिवाइड कर देते हो क्लासेज में, ठीक है। अब शेफर्ड करेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। हम कहते हैं द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस फ्रॉम द ग्रुप डेटा आर कंप्यूटेड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल वैल्यूज लाइंग इन अ क्लास आर इक्वल्स टू देयर क्लास मार्क। हम जो भी मीन फाइंड करते हैं, या आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर रहे हो, या आप वेरियंस फाइंड कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो, ग्रुप डेटा के लिए आप ये एज्यूम करते हो, आपका ये एजम्पशन है कि जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो लाई करती हैं क्लास में और इक्वल होती हैं देयर क्लास मार्क, ठीक है। वो एक तो वैल्यू जो हैं वो लाई करती हैं, लाइंग इन अ क्लास, इन अ क्लास, और वो इक्वल होती हैं टू द क्लास मार्क। हम कह रहे हैं कि द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द ग्रुप डेटा आर कंप्यूटेड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल वैल्यूज लाइंग इन अ क्लास आर इक्वल टू देयर क्लास मार्क, कि वो इक्वल होती हैं देयर क्लास मार्क के। फिर हम कहते हैं दिस अजम्पशन इज नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू। एक तो ये स्ट्रिक्टली ट्रू नहीं है जो ये अजम्पशन हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे ट्रू नहीं है, हम कहते हैं दस एन एरर इज इंट्रोड्यूस्ड, तो फिर एरर इंट्रोड्यूस्ड होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन। हाउएवर देयर इज नो अप्रिशिएबल एरर बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स कैंसल आउट ईच अदर। अगर हम मीन को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं मीन का एक ये फ़ायदा है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव तो वो क्या होता है कि कैंसल आउट होके फिर भी इतने एरर आने के चांसेस नहीं होते हैं, बट इन द स्क्वेयर्स ऑफ एरर्स या इन द कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिंस ऑल द वैल्यूज आर स्क्वेयर्ड द स्क्वेयर्स ऑफ द एरर्स विल बी पॉजिटिव एंड विल नॉट कैंसल आउट। लेकिन अगर हम वेरियंस की बात करें या स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो वो हमारे पास जो एरर है वो स्क्वेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि हम वैल्यूज़ का क्या ले लेते हैं, स्क्वेयर्स ले लेते हैं। सो ऑल वैल्यूज़ जो हैं बिकम पॉजिटिव, तो वहाँ कैंसल आउट होने के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं थस देयर विल बी अ नॉन कंपेंसेटिंग एरर कॉल्ड द ग्रुपिंग एरर। अच्छा स्टूडेंट, कंपेंसेटिंग एरर क्या है या ग्रुपिंग एरर क्या है, कंपेंसेटिंग और ग्रुपिंग एरर। वो कहते हैं फिर हमारे पास कंपेंसेटिंग या ग्रुपिंग एरर जो है वो अकर हो जाता है। अब स्टूडेंट, कंपेंसेटिंग एरर वो होता है जो कि कैंसिल आउट नहीं होता है बल्कि कम्यूलेट होता रहता है आपके वैल्यूज़ में, और आप सैंपल साइज उसका अगर बढ़ाते जाओगे तो एरर भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। वो हमारे पास होता है कंपेंसेटिंग एरर जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा होता, एंड एडजस्टमेंट फॉर कंपेंसेटिंग। एंड नॉन कंपेंसेटिंग एरर हमारे पास क्या होता है कि जो नॉन कंपेंसेटिंग और कंपेंसेटिंग एरर में अगर आप डिफरेंस देख रहे हो स्टूडेंट्स, अब कंपेंसेटिंग एंड नॉन कंपेंसेटिंग एरर जो हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट, ये नॉन कंपेंसेटिंग एरर है जो कि कैंसिल आउट नहीं होता है। कंपेंसेटिंग एरर जो है वो आपके पास अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज करते जाते हो तो वो आपके पास क्या होता है कि जो कंपेंसेटिंग एरर है वो भी एट द टाइम बैलेंस हो जाता है। बट नॉन कंपेंसेटिंग एरर या बाइस्ड एरर कहते हो, या आपके पास ख़त्म नहीं हो सकता लॉन्ग रन में, लेकिन क्योंकि इसकी मेन वजह क्या है कि इसमें पॉजिटिव तमाम वैल्यू स्क्वेयर्स हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ तो होती नहीं है कि कैंसिल आउट हो जाए फॉर द लॉन्ग रन के लिए। तो यहाँ आपके पास क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग एरर या नॉन कंपेंसेटिंग एरर। An adjustment for grouping error is made by reducing the variance. अब हम इसकी कैसे variance को correct कैसे करते हैं student? हम फिर variance को correct करते हैं ये adjustment करके h square divided by 12. अब h square आपके पास क्या है, interval size है आपके पास, ये हमारे पास क्या है, इंटरवल साइज। आपने अपने वेरियंस में अगर आप कहते हो कि हमने लेना है corrected variance, हमारे पास क्या है, करेक्टेड वेरियंस। वैसे तो वेरियंस हमारे पास सिंपल आ जाता है, एस स्क्वायर हो जाते हैं, लेकिन करेक्टेड वेरियंस में आपने क्या करना है, ये एरर जो है जो आपके वैल्यूज़ को डिस्टर्ब कर रहा है उसको आपने माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एस स्क्वायर जो है वो गिवन है
फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो फाइंड करने आते हैं ना कि वेरियंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास वेरियंस है, तो आपने सिंपल और इंटरवल एच फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 के, तो आप उसको क्या लिखोगे, सेम इस फार्मूले में पुट करोगे 362.22 माइनस 10 आपके पास होल स्क्वायर में है डिवाइड बाई 12। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी 353.8890, तो ये हमारे पास आ जाता है कोरेक्टेड वेरियंस जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बाइज्ड वेरियंस था जिसमें एरर आ रहा था, और ये आपके पास जो वेरियंस आया है ये हमारे पास क्या है, कोरेक्टेड वेरियंस है। ये हमारे पास वेरियंस क्या है, कोरेक्टेड है। अब स्टूडेंट इसी में आपको मैं बताऊंगी ये एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है। ये कुछ रिलेशनशिप है क्या आपने माइंड में रखने हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन। एम्पिरिकल रिलेशन स्टूडेंट कौन से आ जाते हैं कि जो मीन डेविएशन होते हैं ना वो आपके पास इक्वल होते हैं 0.7979 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फिक्स वैल्यूज होती हैं, ये आपके पास एम्पिरिकल रिलेशन है बिटवीन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस जो भी आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड जो रिलेशन है जो आपने याद रखने हैं वो हमारे पास है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज में हमारे पास क्या आ जाता है, 0.6745 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देन हमारे पास क्या आ जाता है थर्ड पे, मीन डेविएशन क्या है। यह आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर्टी भी है प्रूफ करने के लिए कि मीन डेविएशन हमारे पास 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। ये एम्पिरिकल रिलेशन है इनके दरमियान। फिर हम कहते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है, क्वार्टाइल रेंज जो है आपके पास वो क्या है, 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इनके स्पेसिफिक एम्पिरिकल रिलेशन है बिटवीन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन के दरमियान। जैसे कि हमने तमाम डिस्पर्जन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस किए, ये उनके दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो हमें बता रहे हैं और ये आपके पास फिक्स होता है। सो सिर्फ मैं लिख रही हूँ, ये हमारे पास 5/6 एंड मीन डेविएशन के इक्वल होता है। ये आपने एम्पिरिकल रिलेशन याद रखने। अब स्टूडेंट शेपर्ड करेक्शन कहाँ यूज़ होती है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एरर इंट्रोड्यूस हो रहा होता है और कैलकुलेशन ऑफ मीन जो है जो वो एप्रिशिएबल एरर होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो वो लॉन्ग रन के लिए कैंसिल आउट होकर बैलेंस हो जाती है। बट वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में जो है आपके पास सिचुएशन डिफरेंट होती है, क्योंकि वेरियंस में हम क्या करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर लेने से तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं और कैंसिल आउट नहीं होती, तो उस एरर को हम कहते हैं नॉन कंपेंसेटिंग एरर या ग्रुपिंग एरर जो कि कैंसिल आउट नहीं हो सकता। उसको एडजस्ट करने के लिए हम अपने वैल्यूज में एच स्क्वायर डिवाइड बाई 12 पुट करते हैं और हमारे पास ये एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अक्सर आपको मीन डेविएशन भी फाइंड करने आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। लेकिन अगर वो आपको फाइंड करना कह रहे हैं कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर द वेट, कोई भी आपको वैल्यूज गिवन है, देन आप उसमें पुट करके इनका एम्पिरिकल रिलेशन फाइंड कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह।